बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुश और बाश होंगे। वेलकम बैक माय चैनल जिसका नाम है एक्शा पंजाबन व्लॉग्स एंड माय अनदर वीडियो। आज सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, मक्खन के साथ पराठे बना रही हूँ। और साथ में मैंने अपना और अपने बच्चों का फेवरेट आज नाश्ते में बनाया है आलू अंडा और साथ में दही। तो यहाँ पे मैंने कहा भरपूर, और मेरे घर में आप सब लोग जानते ही हो कि नाश्ता जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड करते हैं। शाम में चाहे आप उनको कुछ भी ना खाने को दो या जो भी दे दो वो खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन नाश्ता उनका उनकी डिमांड के मुताबिक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक मेरी हेल्पर जो है वो नहीं आई थी, इसलिए कुछ बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए थे, लेकिन मैं जल्द से जल्द नाश्ता बना रही हूँ। आप सब लोग जानते हैं कितनी मेरी बिजी रूटीन होती है, इसलिए कोशिश होती जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो जिस दिन की अम्मी आई हुई है, अम्मी कुछ मेरे कपड़े लेकर आई थी और कुछ टॉयज लेकर आई थी बच्चों के लिए और आज फातिमा के कपड़े लेकर आई थी। तो आज फातिमा मुझे रोज कहती थी कि आप सब लोगों को ना हमारे ना कपड़े दिखाएं, तो चीजें लेकर आई है। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों को दिखाई दूँ। मौसम चेंज हो रहा है, कल से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है। वैसे तो ये मामा लेके आई थी जो मौसम चेंज हो रहा है उसके, और ये ना कपड़ा है लेदर। आज फातिमा जब से पैदा हुई है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना मोस्टली रेडीमेड कपड़े पहनाऊँ, और वो रेडीमेड ही कपड़े पहनती थी। अब वो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है तो स्पारा भी पड़ती है, तो इसलिए फिर उसकी नानी कह रही है कि अब इसके कपड़े जो है ना हमने फुल स्लीव रखने हैं और इस तरह के करनी है। और ये कपड़ा इतना, इसका प्रिंट तो इतना प्यारा निकली, इतने मज़े का कपड़ा है ना, ये लेदर का है और उसके पास वाइट कलर की पैंट है, तो इसकी नानों ने उसके लिए स्टिच करवाया है, तो इसके साथ वो वाइट कलर की पैंट डालेगी। और ये कपड़ा है वेलवेट, मुझे तो वेलवेट लग रहा है, ये कौन सा था, इसका भी प्रिंट अम्मी को इतना पसंद आया था। इसके भी अम्मी ने आयत फातिमा की शर्ट बनाई है, और आयत फातिमा के पास ना विंटर की ब्राउन कलर की है, कुछ नहीं आता इसको बोलने दो ये बबली की बेटी ना उसकी आवाज है, तो विंटर की ब्राउन कलर की इसकी पैंट है, तो हम ना इसके साथ वो चला लेंगे। ठीक है जी, ये भी हमारा सूट कम्प्लीट हो गया। और स्टार्लर और स्कार्फ उसके पास बहुत से, और ये मुझे इतना प्यारा लगा, ये प्यारा सा कलर है सिलक का उसका है। ये तीनों मुख्तलिफ वरायटी के कपड़े हैं उसकी नानों लेकर आई हैं, और इसके साथ मामा कह रही थी कि इसी कलर का ना सिलक का हम इसका ट्रोज़र बनवाएंगे, जो कि कल जुमा मुबारक था और जल्दी थी, कल लेके आना था, मैं नहीं लेके आ सकी। मैंने कहा चले मौसम चेंज हो रहा है तो सब कपड़े रेडी कर दें, और मेरे लिए मामा लेकर आएंगे लीलन में। ये लीलन का सूट है ब्लैक कलर का, और ये अम्मी वहां से लेके स्टिच करवा के लाई है पीछे। ये मेरा सूट है, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। ये देखिए रोजीज भी हैं इसके ऊपर, और ये ऑल ओवर है, और ये रहा इसके साथ का ट्रोजर। अच्छा, अब इसका भी दुपट्टा सेट करना है, तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर बटन्स भी बड़े प्यारे हैं पिंक कलर के। इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं पिंक कलर का शिफॉन का दुपट्टा ले लूंगी या ब्लैक कलर का। मेरे ख्याल में ये पिंक ज्यादा प्यारा लगेगा ना बबली। हाँ जी, तो ये चीजें जो है, अब जिस तरह की ये चीजें हैं इनको भी सेट करवाना है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरी मामा को जिंदगी दे, उनको सेहत दे। मैं मोस्टली जब भी कपड़े लेने जाती हूँ, मैं अपने भी रेडी टू वेयर ले लेती हूँ, बच्चों की रेडीमेड लेती हूँ। टेलर के पास जाना, उनको स्टिच करने के लिए देना, लेसेस मैच करना, डिजाइनिंग करना, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अम्मी बहुत सी ऐसी मेरी चीज़ें और ऐसे काम है जो मेरे वो करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अब खैर कल अम्मी जाने की तैयारियाँ कर रही हैं, उनको वापस जाना है मामू के घर, तो आज तो हमारे घर में रौनकें लगी हुई हैं क्योंकि अम्मी भी हैं। और मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड की फूफो भी आई हुई है, मेरी फूफो सास भी आई हुई है, और आज माशाल्लाह से मेरी नंद भी आई हुई है, तो घर में काफ़ी रौनक है। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज के ब्लॉग में इतनी मैं रिलैक्स की हूँ और स्माइली बॉडी, रिलैक्स इसलिए हूँ कि आज का खाना जो है वो मेरे देवर की तरफ है, तो अभी वो लोग हमें भी बुला रहे हैं कि जी आप लोग भी इधर हमारी तरफ आके खाना खाएं, तो इसलिए मैं किचन में इतना बिजी नहीं हूँ, आज खाना नहीं बनाया, बल्कि काले चने, मुझे नहीं पता था आज मेरी नंद आ रही है, काले चने भी धोए हुए थे, मैंने सोचा था आज बनाएंगे, तो मैंने वहीं पर रोक दिया उसको। तो मैंने कहा चले अभी हम उनकी तरफ से खाना खाएंगे, और फ्री में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी मैं जाने लगी हूँ वहाँ, क्योंकि इससे पहले कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैं तक निकली नहीं हूँ, अकेडमी वाले बच्चे आए हुए थे उनको पढ़ा रही थी, तो अभी फ्री हूँ तो मेहमान। आपने इधर रोटी खा, उधर रोटी खानी चाहिए कि तुम उधर लेके जावा, आज बड़ी मजे की गल जी साड़ी रोटी उधर जी, अक्सा कह रही मैं रोटियां बनानी पी, आ जाओ खाने हैं मुफ्त पसीने तो बगैर। हाँ, पहले आमना ने कहा ना, आमना कहती सब मिलके उधर खाना खावांगे, पकाना आलू गोश्त बनाया कौन, मैं तो काले, मैं काले चने बना दी भी सी, फिर मैं आंटी रोक दी थी, मैं क्या आज मुफ्त च खाने हैं लो जी अभी हम बात ही कर रहे थे, ये किसकी लेकर आए हो, नानो की रोटी लेके आ भी गई है, उनको ये है कि नानो शायद इधर आए ना आए, होनी खानी चाहिए कि ठहर के,
ये देखे इन बच्चों के काम, इतनी गर्मी में तुम लोग गाड़ी में बैठे हुए, कुमैल एसी भी ऑन किया हुआ है? नहीं बेटा, फिर भी गर्मी, आप लोगों ने खाना खा लिया? कुमैल जान आ जाओ, मेरा सोनू, मुझे तो पता नहीं था आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आ जाओ बाहर, गर्मी है। जी फातमा जान, जी फातमा जान जी, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने ससुराल में और वहाँ हम खाना खाएंगे। आज थोड़ा रिलैक्स भी हो गई हूँ और मैं अपनी नंद और उनकी बेटियाँ माशाल्लाह से बड़ी हैं, उन लोगों को कैमरे में ले नहीं सकती, इसलिए मैं वहाँ जाके व्लॉग नहीं बनाऊंगी। और बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा कहती हूँ मैं शेयर करूँगी, गाँव का माहौल और सारी चीज़ें, और आप लोगों के रिक्वेस्टेड व्लॉग, फिर कोई ना कोई माशाल्लाह से गेस्ट आ जाता है तो जिस वजह से नहीं बना पाती, तो आज बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके कुछ हम गपशप लगाएंगे, कुछ उनको टाइम देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ये जो मोहम्मद है ना, ये देखे कैसे फुटबॉल खेल रहा था। तो आप सब लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब।